अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 8 को। देखते हैं इसकी हेडिंग क्या है। वर्ड फॉर्मेशन प्रीफिक्सेस, यानी प्रीफिक्सेस से जो वर्ड बनते हैं उनके बारे में ये लेसन है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो किसी वर्ड से पहले कोई वर्ड आते हैं जो कि वर्ड्स के मीनिंग को टोटली चेंज कर देते हैं, उनकी सेंस को चेंज कर देते हैं, और समटाइम इनमें बेस वर्ड ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे इनलिमिटेबिलिटी एक वर्ड है, इसे कॉमनली यूज नहीं होता, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कि इसमें बेस वर्ड क्या है। बेसिकली इसमें इल जो है वो प्रीफिक्स हो गया और लिमिट इसमें स्टेम हो गया, बेस वर्ड हो गया। अब इल जब इसके साथ लगा तो उसने इसकी सेंस को टोटली चेंज कर दिया, यानी वो इलीगल में या फिर नो लिमिट में या फिर रिस्ट्रिक्शन में आ गया। इसी तरह उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है एडॉप्ट, और उन्होंने बताया कि इसको आप प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करके 24 एडिशनल वर्ड्स बना सकते हैं, यानी इससे 24 एक्स्ट्रा वर्ड आपके बन सकते हैं। जैसे नॉन एडॉप्टेशनल हो गया, नॉन एडॉप्टिव हो गया, नॉन एडॉप्टर हो गया, प्री एडॉप्ट हो गया, अन एडॉप्टेबल हो गया, री एडॉप्टेबल हो गया, अन एडॉप्टिवली हो गया। ये सारे आपके वर्ड्स क्या हैं? एडॉप्ट से जनरेटेड है। उसके बाद 7 पॉइंट क्या है? प्रीफिक्स मीनिंग्स और एग्जांपल। जैसे प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं, उनके मीनिंग्स क्या है और उनके एग्जांपल क्या है। जैसे अन, नॉन, डिस, इन, एम, एयर, इल, ये सब क्या नोट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अनहैप्पी हो गया, नॉन लिविंग हो गया, डिसकनेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, इरेजिस्टेबल हो गया, इरेशनल हो गया, इलीगल हो गया, ये सब आपके क्या वर्ड्स हैं? नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या आ गया? प्री वर्ड से पहले आता है, यानी प्री क्या होता है? जो बिफोर को जाहिर करे, यानी पहले को। जैसे प्री वार, प्री पेड, इस तरह के वर्ड। पोस्ट क्या होता है? जो बाद को प्रेजेंट करे, जैसे पोस्ट पेड हो गया, पोस्ट वार हो गया। उसके बाद एंटी क्या होता है? जो ऑपोजिट होता है, एंटी वार हो गया, एंटी सेप्टिक हो गया। प्रो क्या होता है? जो फेवर में वर्ड्स आते हैं, जैसे प्रोबायोटिक हो गया, प्रो वार हो गया। उसके बाद इंटर क्या होता है? जो बिटवीन कि किसी रिलेशन को शो कर रहे थे, यानी जो बिटवीन का मीनिंग देते हैं। जैसे इंटरस्टेट हो गया, इंटरनेशनल हो गया, हाइपर क्या हो गया? जो किसी चीज़ को एक्सेसिवली ओवर दिखाते हैं, यानी किस उसका किसी चीज़ की ज्यादती को दिखाते हैं। जैसे हाइपर एक्टिव हो गया, हाइपरनेस हो गया। उसके बाद मॉल क्या है? जो बैडली किसी चीज़ की बुरी चीज़ को दिखाते हैं या उसकी रॉन्ग इम्पैक्ट को शो करवाते हैं, जैसे मॉल न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद मिस क्या होता है? जो इनकरेक्टिवली वर्ड्स को शो कराते हैं, जैसे मिस स्पेल हो गया, मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया, मिसबिहेव हो गया। उसके बाद स्यूडो क्या होता है? जो किसी चीज़ को फॉल्स होने को जाहिर करते हैं, उसके गलत होने को शो करते हैं। जैसे स्यूडो साइंस इज अ फॉल्स साइंस, कि ये एक फॉल्स साइंस है, गलत साइंस है। उसके बाद सेमी क्या होता है? जो किसी चीज़ को टोटली चेंज कर देता है उसको थोड़े, जैसे सेमी स्वीट हो गया, यानी कुछ स्वीट है, कुछ टाइप में पार्ट्स में इसको शो करवाता है। उसके बाद सेमी पब्लिक, जो इन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद क्या है यहाँ पे कुछ उन्होंने, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिफाइनिंग वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस। यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें उन्होंने आपको प्रीफिक्सेस यूज करके दिखाए हैं, उसमें से आपने बेस वर्ड को फाइंड आउट करना है। जैसे पहले में असोशल है तो इसमें बेस वर्ड क्या होगा? सोशल। हाइपर एक्टिविटी है तो उसमें क्या होगा? एक्टिव। ठीक है, आपने ये भी देखना है कि इसमें सेंस क्या बन रही है, हमने कैसे मेन वर्ड को इसमें चूज करके लगाना है। जैसे सेकेंड सेंटेंस है, द चाइल्ड्स हाइपर एक्टिविटी इज अलार्मिंग। ठीक है, अब सेकेंड जो उसकी फिल इन द ब्लैंक है वो क्या है? द चाइल्ड इज, आपने हाइपर हटा दिया, एक्टिविटी तो नहीं आप कर सकते ना, आप एक्टिव कर सकते हैं। ठीक, एक्टिव, द चाइल्ड इज एक्टिव। उसके बाद क्या है? इनलिमिटेबल है तो उसमें क्या होगा? लिमिट। इम्पेनिट्रेबल में क्या है? पेनिट्रेट। फिफ्थ वाला क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल, तो इसमें क्या होगा? कॉन्टिनेंट। इररिपेयरेबल में क्या होगा? रिपेयर। मॉल एडजस्टमेंट में क्या होगा? एडजस्ट। स्यूडो बायोग्राफिकल में क्या होगा? बायोग्राफिक। सेमी कॉन्शियस में कॉन्शियस, और अनअटरेबल में क्या होगा? अटर। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्ड फॉर्मेशन प्रीफिक्सेस में क्या आ रहा है? जब आप किसी वर्ड के शुरू में कोई प्रीफिक्स लगाते हैं तो समटाइम वो उसको नेगेटिविटी में शो करता है, समटाइम उसके साइज को शो करता है, समटाइम लोकेशन को, फिर टाइम को या फिर नंबर को शो कर रहा होता है। ठीक है, कुछ प्रीफिक्सेस पॉजिटिविटी में आते हैं और कुछ ऑर्डर को शो करते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है कि नेगेटिव के साथ प्रीफिक्सेस कौन से होते हैं, ये आपने ऊपर भी पढ़ा, जैसे अन, इम, इल, नॉन, मिस, डिस, एंटी, डी, अंडर, ये आपके क्या होते हैं? सब नेगेटिविटी को शो करवाते हैं। ठीक है, जैसे अनमैग्नेटाइज हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, इलीगल हो गया, नॉन प्रोग्रामेबल हो गया, नॉन इम्पैक्ट हो गया, डिसएग्री हो गया, डिसकनेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव प्रीफिक्स क्या होते हैं? री और ओवर, जैसे जो किसी चीज के दोबारा होने को या पॉजिटिविटी को शो करते हैं, जैसे री ऑर्गेनाइज हो गया, ओवरहीट हो गया। उसके बाद ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो साइज को जाहिर करते हैं, जैसे सेमी हो गया। ठीक है, उसने बता दिया कि ये हाफ में है या फिर किसी पार्ट को जाहिर कर रहा है। इक्वल हो गया, इक्वालिटी को जाहिर कर रहा है। मैक्सी बिग को, माइक्रो स्मॉल को, मिनी भी लिटल को, मिनी लिटल को, मैक्रो जो है वो लार्ज क्वांटिटी को जाहिर करेगा, मेगा जो है वो ज्यादा को, मेगाबाइट के साथ आएगा। जैसे सेमी कंडक्टर हो गया, सेमी स्वीट हो गया,
इक्विडिस्टेंट हो गया, इक्विलेंट हो गया, मैक्सी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मेगाबाइट। इसी तरह कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके लोकेशन को जाहिर करते हैं, जैसे यानी जो किसी चीज़ की में बिटवीन के मीनिंग दे रहे होते हैं। जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा इंटर है, सुपर है, ट्रांस है, एक्स है, एक्स्ट्रा, सब सब, प्री वगैरह, ये सब आपके क्या हैं जो बिटवीन के मीनिंग को शो करते हैं। जैसे ट्रांसमीटर आ गया, ट्रांसफर आ गया, एक्सक्लूड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, ये एग्जांपल्स उन्होंने आपको साथ दी हुई है। उसके बाद क्या, जो टाइम और ऑर्डर को जाहिर करते हैं, जैसे एंटी जो है बिफोर को जाहिर कर रहा है, एंटीसीडेंट। उसके बाद प्रीफिक्स आ गया, प्राइम आ गया, प्राइमरी, प्राइमेटिव आ गया, पोस्ट जो बात को जाहिर कर रहा है, पोस्ट पेड आ गया या पोस्ट डेटेड आ गया, रिट्रो जो किसी चीज़ के बैकवर्ड होने को शो कर रहा है, जैसे इसकी एग्जांपल है रिट्रो एक्टिव। उसके बाद प्रीफिक्स, ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो नंबर्स को शो करते हैं। प्रीफिक्सेस ऑफ नंबर्स में क्या आता है, सेमी आ गया, मोनो, बी, ट्री, क्वाड, पेंटा, हेक्स वगैरह जो हैं। जैसे सेमी है तो सेमी सर्कल आ गया, मोनोक्रोमेटिक है, बाइनरी है, ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपके जो सारे वर्ड्स हैं। उसके बाद क्या, अदर प्रीफिक्सेस जो कॉमनली ज़्यादा यूज़ होते हैं, प्रो है, ऑटो है, को है, नैनो है, पेन है, एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं उन्होंने, प्रोग्राम हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, न्यू क्लासिकल हो गया, पैन इस्लामिक हो। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है कि आपने इसमें से जो प्रीफिक्सेस वर्ड्स यूज हुए हैं उनमें से आपने सिर्फ प्रीफिक्स निकालने हैं। जैसे फर्स्ट में नॉन इम्पैक्ट है तो नॉन आपका हो गया, इन एक्सपेंसिव यूज हुआ है तो उसमें इन है, सेकेंड में क्या है अन, मैग्नेटाइज में अन है, रिफ्लेक्टिव में री है, थर्ड में क्या ऑक्टल में ऑक होगा और हेक्साडेसिमल में हेक्सा और बाइनरी में बाय। इसी तरह बाकी वर्ड्स हैं जो जिसमें से आपको प्रीफिक्सेस फाइंड आउट करने हैं, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग यूज हुआ हुआ एक वर्ड, इसमें मल्टी होगा, डी ऑर्डर है तो डी आपका इसमें प्रीफिक्स है, माइक्रो कंप्यूटर है तो माइक्रो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रो होगा, सेमीकंडक्टर है तो सेमी होगा। ये इस तरह के वर्ड्स हैं, जब आप ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से प्रीफिक्सेस कैसे यूज हुए हैं। उसके बाद क्या है, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3 है जिसमें उन्होंने आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है, यानी वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से आपने प्रॉपर वर्ड जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में लगाने हैं। उन्होंने आपको फिल करके भी दिखाए हुए हैं, तो आज सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए आप देखें। जैसे फर्स्ट में क्या आएगा, बाइट के साथ मेगा आएगा, प्लेक्सिंग के साथ सेकंड में मल्टी आएगा, इसी तरह थर्ड में इंटर है, फोर्थ में डेसिमल है, ठीक है, ये सब आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। इंटर एक्टिव है, मोनोक्रोमेटिक है, ये सारे वर्ड्स उन्होंने आपको फिल करके दिखाए हुए हैं कि किस वर्ड के साथ क्या प्रॉपर वर्ड आ सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 क्या है कि आपने जो पैराग्राफ आपको गिवन है उसको पढ़ना है और उसमें से आपने प्रीफिक्सेस अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। जैसे इसमें प्रीफिक्सेस आपको याद, आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें प्रीफिक्सेस यूज हुए हैं। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5 है रिव्यू ऑफ सफेक्सेस। अब सफेक्सेस क्या थे, जो वर्ड्स के बाद में आते हैं, यानी जो उर्दू में इसको क्या कहते हैं, लाह का, जो किसी वर्ड के बाद में आता है। अब प्रॉपरली ये किसी वर्ड के बाद में आता है तो उसका मीनिंग चेंज कर देता है। ऊपर वाला पैराग्राफ था उसमें सब आपने प्रीफिक्सेस को अंडरलाइन करने हैं, यानी ऐसे वर्ड जिनके स्टार्ट में कुछ ऐड हुए हैं, और ये सेकंड वाले पैराग्राफ में आपने क्या करना है, आपने सफेक्सेस को अंडरलाइन करना है, ठीक है, कि जो वर्ड्स बाद में यूज हुए हैं। उसके बाद क्या है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, आपके जो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, एक दूसरे की जगह पे आ सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या है कि मोस्ट सिनोनिम्स जो है वो सिमिलर मीनिंग्स के होते हैं, लेकिन जब उनको आप डिफरेंट सेंटेंस के साथ यूज करते हैं तो वो अपने मीनिंग्स को चेंज कर लेते हैं, यानी वो कहीं पे ज्यादा फोर्स के साथ आते हैं और कहीं पे उसी मीनिंग के साथ आते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है अप्रोप्रिएट और एप्ट, कहीं पे अप्रोप्रिएट मुनासिब आएगा, लेकिन जहाँ पे अगर आप कहीं एप्ट यूज करेंगे तो वहाँ पे ये क्या होगा, इंतहाई मुनासिब, यानी ये फिक्रे के लिहाज से अपने मीनिंग को चेंज कर देगा, कहीं पे जोर के साथ आएगा और कहीं पे सिंपल। इसी तरह सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, एक वर्ड है ब्लेम और डिनाउंस। अब दोनों का मतलब क्या है, ब्लेम का मतलब क्या होता है, इल्ज़ाम करना, और डिनाउंस का मतलब क्या होता है, मुजम्मत करना। तो आप इनको डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। अगर मैंने किसी पे इल्ज़ाम लगाया तो मैं उसकी मुजम्मत नहीं कर सकती, यानी मुजम्मत का क्या मतलब होता है कि आपने ओपनली पब्लिकली किसी को वार्न किया है या किसी बात की मुजम्मत किया है, यानी उसको सामने लेकर आया। उसके बाद ये सिलेक्टिंग वर्ड्स मीनिंग, यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनके जो राइट सिनोनिम्स हैं उसको आपने टिक करना है, उसको चूज करना है। जैसे एडमोनिश है
उसका राइट आंसर क्या होगा वॉन। इफ फेस है उसका राइट आंसर क्या होगा वाइप। प्रेनियल है उसका क्या होगा इंड्योरिंग। सब्जुगेट है उसका क्या होगा डिफीट। इसी तरह बाकी वर्ड्स हैं तो आप इनको डिक्शनरी से कंसल्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। जो बोल्ड में है तो खुद से आपने इसमें से सिलेक्ट करना है कि इसका राइट पॉसिबल आंसर क्या है। तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ये आपकी वोकैबुलरी बेस्ड इंग्लिश है। जितनी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी उतनी इस इंग्लिश को आपको हैंडल करना ईजी होगा। तो आप इसका सबसे बेस्ट वे क्या है कि आपको जो भी वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं आपके पास, जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, आप उनका डिक्शनरी मीनिंग ज़रूर कंसल्ट करें ताकि आपकी मेमोरी में वो सेव हो जाएं। और अगर आपको पेपर में ऐसे या ऐसे मिलते जुलते वर्ड्स आ जाएं तो आप उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पॉसिबली जो जो आपको लगें तो आप उनको क्लिक कर सकें। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको इसमें सेम वही रिपीट होता जा रहा है कि प्रीफिक्स और सफिक्स का पता होना चाहिए। अगर आपको प्रीफिक्स के साथ वर्ड दिया है तो आप उसमें से मेन वर्ड कैसे चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको सफिक्स के साथ दिया है तो आप उसमें से मेन वर्ड कैसे चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव सफिक्सेस कौन से होते हैं, नंबर्स में कौन से आते हैं, और नेगेटिव मीनिंग में कौन से होते हैं, साइज़ को कौन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ें आपको इसमें थोड़ी सी याद करनी है, आपको इन प्रीफिक्सेस को अपने माइंड में रखना है। उसके अलावा आपकी वोकैबुलरी भी सी होनी चाहिए ताकि आपको पेपर में अगर कोई सिनोनिम्स आ जाएं चूज़ करने तो आपको पता हो कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।